नमस्कार दोस्तों, वीनू किचन में आपका स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है सूजी का खिला खिला दानेदार हलवा। यह बहुत ही स्वादिष्ट होता है और बनाने में बिल्कुल इजीली घर में बन जाता है, फटाफट 10-15 मिनट में बनके तैयार हो जाता है। अगर हमारा मीठा खाने का मन है तो हम इसको बना के खा सकते हैं, इसको नाश्ते में भी ले सकते हैं और इसके साथ एक गिलास दूध का ले लेते हैं तो पूरे दिन हमारे एनर्जी रहती है, पेट भरा हुआ रहता है, कुछ भी खाने की जरूरत नहीं पड़ती। और दोस्तों, जैसे मेहमान घर में आते हैं, गेस्ट आते हैं, जब भी इसको हम बना सकते हैं, गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और नवरात्रि में माता के भोग के लिए इसको बनाया जा सकता है, गणपति के भोग के लिए इसको बनाया जा सकता है। तो आज हम सूजी का हलवा बनाएंगे, तो एक बार जरूर ट्राई करना दोस्तों। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और कोई भी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। चलिए दोस्तों, हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। सूजी का हलवा बनाने के लिए मैंने 1 कप सूजी लिया है, ये वाला कप, और आधा कप चीनी, आधा कप घी, थोड़ा सा नारियल का बुरादा, और ये लिया मैंने ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट में मैंने काजू, किशमिश, बादाम लिए। आप अपने पसंद के अनुसार कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हो। और डेकोरेट करने के लिए मैंने काजू, पिस्ता और बादाम की कतरन ली है। तो चलिए दोस्तों, हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। अब जो घी लिया था उसमें से हम आधा घी इसमें डालेंगे, थोड़ा सा घी बचा लेंगे। और ये ड्राई फ्रूट डाल के हल्के से इनको रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए, हल्के से रोस्ट कर लिए हैं 1-2 मिनट के लिए, इनको हम निकाल लेंगे। अब इसमें हम सूजी डाल के सूजी को भून लेते हैं। सूजी को मीडियम आंच पे भूनेंगे और चलाते हुए भूनेंगे इसको ब्राउन होने तक। अब 4-5 मिनट लगेंगे सूजी भूनने में, तो इसको चलाते हुए मीडियम गैस पे हम भूनेंगे। सूजी को लगातार चलाना है, नहीं तो सूजी नीचे लग जाती है। और आप चाहो तो इसमें घी थोड़ा सा और ऐड कर लेना, मैं यहाँ थोड़ा सा घी और ऐड कर रही हूँ। घी आप अपने पसंद के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हो। अब इसको 4-5 मिनट के लिए चलाते हुए हम भून लेंगे ब्राउन होने तक। ये देखिए फ्रेंड्स, सूजी में बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और 4-5 मिनट हो गए हैं मीडियम आंच पे इसको चलाते हुए भूनते हुए, और बहुत ब्राउन भी हो गई है सूजी और खुशबू भी अच्छी आ रही है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। और ये मोटी वाली सूजी ली है, मोटी वाली सूजी में क्या है, हलवा ज्यादा अच्छा बनता है, खिला खिला सा बनता है और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो हम इसमें पानी डाल लेते हैं। मैं यहाँ 1 गिलास पानी डाल दी और पानी केयरफुली डालें, नहीं तो अपने अंदर भी हलवा आ सकता है। अब इसको हिलाते रहेंगे। अब हलवा गाढ़ा हो गया है, इसमें हम ड्राई फ्रूट डाल देते हैं और चीनी भी डाल देंगे। जब तक चीनी मेल्ट होती है हम वो हिलाते हुए पकाएंगे हलवे को। 2-3 मिनट में चीनी मेल्ट हो जाती है और कलर भी बहुत अच्छा आ जाता है चीनी डालने के बाद। ये देखिए, चीनी मेल्ट हो गई। अब हम इसमें नारियल का बूरा भी डाल देंगे, इससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है हलवे में, बहुत स्वादिष्ट बनता है। इस तरीके से हम हलवा बनाते हैं। तो जब भी हमारा मीठा खाने का मन हो हम इसको फटाफट 10 मिनट में बना के तैयार कर सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स करते हुए अब गैस बंद कर देंगे, हलवा बन के तैयार है। और एक प्लेट में निकाल लेंगे हलवे को। देखिए कितना खिला खिला सा हलवा बना है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। जितना अच्छा देखने में लग रहा है उससे कहीं ज्यादा खाने में स्वादिष्ट है। और गर्मा गर्म हलवा तो बहुत ही टेस्टी लगता है, लाजवाब लगता है। अब हलवे में हम घी ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा, 2-3 चम्मच, बहुत ही अच्छा लगता है हलवे में घी तैरता हुआ।
और स्वादिष्ट भी लगता है। और थोड़े से पिस्ते से गार्निश कर देंगे, थोड़ा सा नारियल भी और डाल देंगे ऊपर से। देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है, और जब कोई हमारे गेस्ट आए घर में तो इस तरीके से हम नाश्ते में उनको बना के दें तो बहुत ही अच्छा लगता है और स्वादिष्ट लगता है। लीजिए दोस्तों, हलवा बनके तैयार है। अगर पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट भी देना।